नमस्कार, न्यूज टुडे मुजफ्फरनगर के नए अंक के साथ मैं स्वदेश कौशिक एक बार फिर आपके सामने हूं। आइए सीधे चलिए मेरे साथ समाचार जगत में, जानिए सबसे पहले क्या है आज के इस अंक की हेडलाइंस। कचहरी परिसर में पुलिस का सघन वाहन चेकिंग अभियान, दुपहिया और चौपहिया वाहन खंगाले मगर कुछ भी आपत्तिजनक नहीं मिला। पुरानी रंजिश के कारण बदमाशों ने किसान को मारी गोली, घायल किसान चिकित्सालय में भर्ती, बच गई जान। नगर में धार्मिक आयोजनों की धूम, गणेश उत्सवों के साथ साथ राधा अष्टमी भी धूमधाम से मनाई गई। गोल्डन पब्लिक स्कूल में आयोजित हुई क्रॉस कंट्री दौड़, 30 स्कूलों के सैकड़ों बच्चों ने दौड़ लगाकर जीते इनाम। और आइए बात करते हैं सभी समाचारों पर जरा सा विस्तार के साथ। सबसे पहले बात करेंगे पुलिस की एक्टिविटी की। अपराध और अपराधियों की धरपकड़ के लिए जनपद पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। साथ ही साथ पुलिस ने सड़क छाप मजनुओं को सबक सिखाने और गैर जिम्मेदार वाहन चालकों को भी ट्रैफिक रूल सिखाने की ठान ली है। अपने मकसद को पूरा करने के लिए पुलिस ने बुधवार को जहां कचहरी में वाहनों की सघन तलाशी ली, वहीं गांधी कॉलोनी में भी लापरवाहों को खूब सबक सिखाया। कचहरी परिसर में बुधवार को एक जबरदस्त और औचक वाहन निरीक्षण अभियान चलाया गया, जिसका नेतृत्व खुद एसपी सिटी ओमवीर सिंह ने किया। एसपी सिटी के साथ एएसपी व सीओ मंडी मणिलाल पाटीदार और थाना सिविल लाइन प्रभारी जीसी शर्मा भारी पुलिस फोर्स के साथ कचहरी परिसर में मौजूद थे। पुलिस ने हर संदिग्ध वाहन और वाहन चालक की सघन तलाशी ली। यही नहीं, पुलिस ने पार्किंग में खड़े वाहनों को भी नहीं बख्शा और आने जाने वालों से भी कड़ी पूछताछ की। ये चेकिंग अभियान लगभग 1.5 घंटा चला। इस चेकिंग अभियान के चलते कचहरी परिसर में कुछ बेचैनी सी महसूस की गई, मगर शुक्र इस बात का रहा कि पुलिस को किसी वाहन से कोई आपत्तिजनक वस्तु या दस्तावेज बरामद नहीं हुए। जिलाधिकारी के आदेश पर हेलमेट न पहनने वालों और आधे अधूरे कागजातों के साथ वाहन चलाने वालों को भी चिन्हित करने और मनचलों की खबर लेने के लिहाज से बीती शाम गांधी कॉलोनी में भी एक सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस चेकिंग दस्ते में कुछ महिला आरसी भी ड्यूटी पर मुस्तैद दिखीं। वाहन चेकिंग के समय पुलिस दल ने शायद ये महसूस किया होगा कि महिलाएं या युवतियां ऐसी वाहन चेकिंग के समय गलती करने के बावजूद भी सहानुभूति का लाभ उठाकर बच निकलने में कामयाब हो जाती हैं। बीती शाम वाहन चेकिंग के समय पुलिस दल को गड़बड़ी करती कुछ युवतियाँ भी मिली, जिन्हें कड़ी पूछताछ के बाद चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। तो न्यूज टुडे मुजफ्फरनगर जनहित में अपने तमाम दर्शकों से अपील करता है कि जब भी आप वाहन लेकर सड़क पर जाएं तो अपने जरूरी कागजात साथ में लेकर जाएं, डीएल अपना साथ में रखें और हेलमेट लगाकर जरूर चलें। और आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बुधवार को सुबह सीकरी गांव में बदमाशों ने एक किसान को गोली मारकर घायल कर दिया। घायल किसान कासिम है, जिसे 2 गोलियां लगी। हम अपने दर्शकों को याद दिलाना चाहेंगे कि कुछ दिन पहले आर्यपुरी में एक पूर्व प्रधान की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। ये कासिम उन्हीं मृतक मोहम्मद अम्मार का भाई बताया गया है। बदमाशों की गोली से घायल कासिम को जिला चिकित्सालय के आपातकालीन कक्ष में भर्ती करा दिया गया है, जहां पर उसका उपचार चल रहा है और वो फिलहाल खतरे से बाहर है। यह घायल व्यक्ति कासिम है, जो भोपा थाना क्षेत्र में आने वाले गाँव सीकरी का रहने वाला है। घायल कासिम ने न्यूज़ टुडे को खुद बताया कि किसी पुरानी रंजिश के चलते एक बदमाश जमशेद ने कासिम पर उस समय गोलियां चलानी शुरू कर दी जब वह अपने खेतों में काम कर रहा था। उन गोलियों ने उसके सीने और हाथ को छलनी कर दिया। हम खेतों में भागते जान बचा। कितनी गोली लगी आपके? दो। कौन लोग थे? जमशेद का आदमी था। जमशेद का तो कोई रंजिश चली आ रही है आपकी? जी। पहले भी कोई वारदात हुई है? जी। कब हुई थी? एक तो दो साल के, एक तो भतीजा मारा था, एक भाई के हाथ में गोली मारी थी। अब 5-7 दिन पहले मार पर धाने गोली मारी, ये हमारे में से ही अब मेरे गोली मारी। क्या चाह रहे हैं वो लोग आपसे? ये दबाव बनाना चाह रहे हैं फैसला वाले। घायल कासिम को तुरंत चिकित्सालय के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती करा दिया गया, जहां उसका उपचार चल रहा है। उपचार मिल जाने के कारण कासिम को फिलहाल खतरे से बाहर बताया गया है। घटना के कारणों पर रोशनी खुद कासिम ने डाली।
घटना के कारण के बारे में बताते हुए कासिम ने बताया कि अभी कुछ दिन पहले ही आरपुरी में बदमाशों ने उसके भाई मोहम्मद अम्मार की गोलियां मारकर हत्या कर दी थी। तीन पाँच छः दिन पहले प्रधान जी गोली मारी, एक भतीजे गोली मारी थी, एक भाई जी गोली मारी थी, इस बीच में गोली मारी फैसला करें तो फैसले का दबाव बना रहे आपके ऊपर, तो आप प्रधान जी के क्या लगते हैं? आप प्रधान जी हमारे भाई हैं, आपके भाई थे। कासिम का यह भी कहना था कि हत्यारों के बारे में अभी तक पुलिस कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर पाई है। और आइए बात करते हैं नगर में चल रहे धार्मिक उत्सवों की धूम की। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नगर में अभी गणेश उत्सव मनाए जा रहे हैं। मंगलवार को गणेश उत्सव के साथ साथ नगर में भगवान श्री कृष्ण की अनन्या संगिनी श्री राधा जी का जन्मोत्सव भी बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। इस उत्सव में जगह जगह भजन संध्याएं आयोजित की गई, जहां श्रद्धालु बहुत बड़ी तादाद में मौजूद थे। इस खुशी के मौके पर जगह जगह भंडारे भी आयोजित किए गए, जहां श्रद्धालुओं ने प्रसाद चखा।